अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर रिजल्ट 2018 बैच। तो दोस्तों आपका रिजल्ट कैसा रहा उस पर पूरा डिस्कशन होगा, कितने बच्चों की बैक कैसे आ गई, और दोस्तों अभी सबसे बड़ी अपडेट कि स्कूटी का फॉर्म कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, बच्चे लोग इसी को लेकर टेंशन है, और दोस्तों यही आपके अब अंतिम उम्मीद बची है। और दोस्तों ये भी जानेंगे स्कूटी के फॉर्म की फीस कितनी होती है। देखिए दोस्तों, काफी कॉलेजेस वाले फीस से डबल पैसे ट्रिपल पैसे लेते हैं, तो दोस्तों जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन कॉलेज वालों को भी दोस्तों सोचना चाहिए यार, इस समय बच्चा कोई हमारा फेल हुआ है तो उससे इस समय तो कमीशन ना खाए, भले पूरे साल कमीशन खाते रहते हैं। तो दोस्तों कॉलेज वालों को भी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यार इस समय कमीशन मत खाना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर पेपर की तैयारी कैसी चल रही है, और दोस्तों डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पेपर की तैयारी कैसे चल रही है। अब दोस्तों देखिए, बच्चों में टेंशन का माहौल। जी हाँ दोस्तों, जैसे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब से दोस्तों डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने देखा यार कितने बच्चे 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, कोई छोटा मोटा डाटा नहीं, 50,000 से ज्यादा बच्चों को फेल होने का मतलब एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल कहते हुए। अब देखिए दोस्तों बात करेंगे 2018 में सभी बच्चों ने एक ही गलती की। जी हाँ दोस्तों, जो 2018 का बैच था सभी बच्चों से एक कॉमन गलती हुई है, उसी का नतीजा दोस्तों था कि आपका फेल होना। जी हाँ दोस्तों, बच्चों ने क्या किया कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से पेपर की तुलना की और लगा कि आप पहले सेमेस्टर के जैसे पेपर आसान आएगा, तो दोस्तों बच्चों ने पढ़ाई ही छोड़ दी। देखिए सिर्फ अगर मैथ में बैक आती या इंग्लिश में बैक आती तो दोस्तों चलिए लगता है कि चलो मैथ में बैक आती है इंग्लिश में बैक आती है तो दोस्तों चलो ठीक है, इसमें तो बच्चों की नॉर्मली बैक आती रहती है ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स में बैक आना मतलब साफ कहना है दोस्तों कि आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। जी हाँ दोस्तों, अगर मैथ और इंग्लिश के अलावा, देखिए दोस्तों हम काफी ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनकी मैथ और इंग्लिश काफी कमजोर थी, तब भी उन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके कैसे ना कैसे अपना बेड़ा पार किया, भले उन बच्चों ने 12 ही नंबर मैथ में क्यों ना लाया हो। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल ना आया और 12 नंबर लाकर पास हो जाए, ये एक बड़ी बात होती है। तो जो बच्चे मैथ से थे वो बच्चे मैथ में ना पास होना ये ज्यादा दुख भरी बात है। होता क्या दोस्तों, आप लोग सही से तैयारी नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने कभी भी आपके लिए मैथ की वीडियो बनाई तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं बनाया कि 10 मिनट के लिए आपको मैथ की वीडियो बना के दे दिया कि लो पढ़ लेना पास हो जाओगे। तो दोस्तों हमने पूरा प्रयास किया कि आपको एक ही वीडियो में अधिक से अधिक सिलेबस कवर हो। तो दोस्तों हमने 10-10 घंटे की वीडियो इसीलिए बनाई थी कि आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो काफी चीज उसमें समझ जाएंगे। काफी बच्चों ने यह कहा कि सर जब हमने आपकी वीडियोस देखी तब हमें मैथ आना शुरू हो गया, जिनको कुछ भी नहीं आता था, जो बच्चे आर्ट साइड थे बायो से थे, तो दोस्तों उन बच्चों ने भी मैथ सीख लिया यार, मैथ में तो इतना आसान है। देखिए दोस्तों, जो बच्चे आर्ट और बायो से रहेंगे तो वो बच्चे मैथ में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे भले वो कितना क्यों ना पढ़ लें, लेकिन दोस्तों वो बच्चे डेफिनेटली अपना बैक तो बचा लेंगे। 12 से ज्यादा नंबर लाकर वो ये दिखा देंगे कि हम मैथ के नहीं है फिर भी हम मैथ में पास हो गए। काफी बच्चे ऐसे थे जो मैथ साइड्स के होकर भी मैथ में बैक ले आए। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना हमेशा कि 3 में बैक तो समझो सेमेस्टर बैक। तो दोस्तों डीएलएड 2017 बैच के लिए भाई ये इस समय खतरे की घंटी बज चुकी है, आप लोग का पेपर 14 नवंबर से आ चुका है। एक चीज दोस्तों आप लोग बहुत ध्यान से याद रखना है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि लास्ट ईयर दोस्तों जो आपके फाइनल आपके सीनियर बच्चों ने जो बहुत बड़ी गलती की कि इंग्लिश में बहुत ढेर सारे बच्चों ने बैक लाया, तो दोस्तों वो गलती आपको नहीं करना है। इंग्लिश और मैथ ये दो सब्जेक्ट्स आपके लिए ऐसे होने वाले, समझ लीजिए या तो आर या तो पार। ठीक है, अगर इसमें पास हो गया तो आप पार हो जाएंगे दोस्तों, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी। तो दोस्तों जैसे ही आपका स्कूटनी का फॉर्म आएगा सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए अपडेट करेगा कि डीएलएड 2018 बैच में दोस्तों जो इतने ज्यादा बच्चों की बैक आई है, तो आप लोग अप्लाई जल्दी से करिए स्कूटनी का फॉर्म। देखिए उसमें अधिक से अधिक बच्चे पास तो नहीं होते, लेकिन दोस्तों एक आखिरी उम्मीद तो हमारी यही होती है कि स्कूटनी का फॉर्म आएगा और वो हमारा पेड़ा पार करेगा। तो दोस्तों उम्मीद लगाए रखिए। देखिए जिन बच्चों की बैक कभी कभी, देखिए होता क्या हम आपको बता दें, आपसे गलती कहाँ हो जाती है स्कूटनी का फॉर्म भरने में। देखिए दोस्तों कभी आपके जैसे मान लेते 10 नंबर आ रहे हैं मैथ में आ रहे हैं, ठीक है आपने दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन किया ही नहीं है और तो 10 नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों ये ठीक ठाक नंबर है। कभी कभी दोस्तों जो आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर होता है अगर उसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है यार 12 तो ज्यादा, तो हमारे बहुविकल्प थी लघुत्तरी सही होंगे, तो कॉपी कुछ गलत चेक हुई। तो दोस्तों आपको उन सब्जेक्ट्स का जरूर स्कूटनी फॉर्म भरना चाहिए जो 50 नंबर के पेपर होते हैं। दिक्कत रीजन पता क्या है कि उसमें अगर आपने लिख कराया हो, लेकिन एक चीज याद रखना, जब अगर आप उसमें लिख कराए हो तभी उसका स्कूटनी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि 50 नंबर वाले पेपर में पास होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है आपकी बात रही 25 नंबर वाले पेपर की तुलना में, क्योंकि 25 नंबर का पेपर दोस्तों बहुत छोटा पेपर होता है, उसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। एक बात और,
नकल के भरोसे मत रहना। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हो जो आने वाले में हो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, या दोस्तों इस समय आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, बिल्कुल भी आपको नकल के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कभी कभी की पेपर में नकल होती है, लेकिन दोस्तों मेन टाइम पर, लास्ट टाइम पर दोस्तों उसमें पेपर में नकल ना हो। जैसे दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट्स में थोड़ी बहुत आपको छूट मिली, लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि मैथ में आपको हिलने में नहीं दिया गया, तब तो समझ लीजिए खत्म हो गया दोस्तों, आपका मैथ तो खत्म ही हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी मैथ और इंग्लिश में नकल के भरोसे मत जाइएगा। अदर सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसमें आप पास कर लेंगे। अगर आप मैथ में नकल के भरोसे चले गए, तो अगर नकल नहीं हुई तो समझ लीजिए दोस्तों 100 में 100 नंबर आपके श्योर हैं कि 100 में 100% आपकी फेल होंगे, तो उससे आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग मेहनत काफी करते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। इसका रीजन दोस्तों यही होता है कि आप डेडिकेटेड स्टडी नहीं करते, आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे। अब दिवाली का समय आ चुका है, तो दोस्तों हम लोग का काम देखिए क्या रहता है, हम लोग तो अभी भी वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट की। दिवाली दोस्तों आती जाती रहती है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि इस बार अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो अगली बार दिवाली जो आएगी वो बहुत ही खुशहाल होगी, और उसमें आप लोग अच्छे पार्टी सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए पेपर खराब हो गया तो दोस्तों दिवाली का कोई मतलब नहीं रहेगा, पेपर अच्छा रहा तो दिवाली का अच्छा मतलब है। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि दिवाली से आ रही है, तो दिवाली के बाद ही पेपर है। देखिए आप लोग हर एक दिन, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो दोस्तों मैथ में आप लोग जी जान लगा दीजिए, क्योंकि मैथ में बैक नहीं लानी। मैथ का पेपर इस बार थोड़ा टफ आएगा, याद रखना है। मैथ जो इस बार दोस्तों पेपर आएगा 2017 बैच का, वो काफी कठिन आ सकता है, क्योंकि देखिए अभी एलटी ग्रेड का आपका रिजल्ट आया है तो उसमें काफी बच्चे फेल हो गए। देखिए जो नौकरी, मतलब यार जो नौकरी वाले पेपर है उसमें बच्चे पास तक नहीं हो पा रहे। जैसे 100 वैकेंसी आ रही है दोस्तों, तो लाखों बच्चे पेपर तो दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों 100 बच्चे भी पास नहीं हो पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। क्योंकि यार अभी तक ये होता था कि बच्चे ज्यादा पास होते थे, उसके बाद मेरिट सिस्टम बनता था, अब तो इतना यही हो गया कि 100 के 100 बच्चे ही नहीं पास हो पा रहे, तो मेरिट कहाँ से बनेगी। तो आपको यार यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है, हर एक बच्चे को सोचना पड़ेगा हमसे गलती कहाँ पर हो रही है, और उसको आपको सुधारना पड़ेगा दोस्तों। अब नहीं सुधारेंगे फिर काफी देर हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत भी काफी होगी, क्योंकि समय जब दोस्तों बहुत तेजी से बीत रहा है, तो हर एक सेमेस्टर के बच्चों को ये अभी से दोस्तों खतरे की घंटी है कि आपको पढ़ना शुरू कर देना। जो बच्चे प्रथम सेमेस्टर में रहे उनको पता नहीं होता कि कैसे क्या सिस्टम होता है, तो दोस्तों आप लोग बस इतना समझ लीजिए, अगर आपकी 3 में बैक आ गई तो समझ लीजिए आप लोग फिर से दोबारा से प्रथम सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 सब्जेक्ट में बैक का मतलब दोबारा से भाई पढ़ना ही शुरू करो, तो 3 में बैक आपको नहीं लानी, पहली बात ये समझना है। चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चे तो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे कि भाई बैक तो 3 में आई, तो समझ लीजिए खेल खत्म। तो बचना है दोस्तों आप लोगों को, देखिए हमेशा मोटिवेट होते रहना, आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। बैक आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2-3 सेमेस्टर में अगर आपके 3 में बैक आई है तो अब आपको आगे बढ़ना है, आपके पास समय काफी है, ठीक है। जो आपके दोस्त अगर पास भी हो गए होंगे ना, तो उन्हें कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। हाँ मौका इनको मिल सकता है, जो बच्चे डीएलएड 2017 बैच के हैं, तो इन बच्चों को मौका मिल सकता है डीएलएड 2017 बैच में, कि 2020 में कोई वैकेंसी आएगी तो ठीक है दोस्तों। लेकिन जो नई वैकेंसी आने की जो सबसे ज्यादा संभावना बनेगी वो 2022 से पहले, उस समय आपके दोस्तों स्टेट लेवल के चुनाव होंगे, ठीक है, तो आपके उस समय नौकरी आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको कि 2022 तक हर एक बच्चा पास होना चाहिए, चाहे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बच्चे भी दोस्तों 2021 में आपका बैच सब कुछ फाइनल हो जाएगा लगभग लगभग। तो आपका सेशन इस बार अगस्त से शुरू हुआ है, तो दोस्तों आपका उस समय भी अगस्त तक आपका पेपर हो जाएगा। कोशिश की जाएगी दोस्तों धरना दे के जैसे भी पेपर आपका करवाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए जब भी जिसका सेशन शुरू होता है उसी समय आपका सेशन स्टार्ट होता है, उसी समय आपका सेशन एंड भी होता है। तो शुरू और अंत दोस्तों हमेशा एक ही टाइम पर होता है, 2 साल का कोर्स है, आपने 2 साल का पैसा दे रखा, तो ये नहीं सोचिए कि आपको 3 साल पढ़ाया जाएगा, तो 2 साल में आपको कोर्स कराकर खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो 2018 में बच्चों ने गलती की थी 2018 के बैच में, वो गलती यही थी दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस। सभी बच्चों को लग रहा था यार पहले की तरह पेपर आसान आएगा। अब सरकार दोस्तों यूपी टेट 2019 का पेपर भी काफी कठिन करने जा रही है, आप लोग को पता चल चुका है। अब यूपी टेट 2019 का पेपर भी कठिन आएगा, क्योंकि देखिए अब हो क्या गया है ना, बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, आप लोग को पता होगा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सरकार पता क्या दिमाग लगा रही है कि हम पेपर ही कठिन बनाएंगे, तुम पास करके दिखाओ तभी तो नौकरी लोगे। अभी होता क्या था दोस्तों, बच्चे पास ज्यादा होते थे नौकरी नहीं मिलती थी, फिर ये बात होती थी कि इतने हर साल ग्रेजुएट बच्चे निकल रहे हैं उनको नौकरी देने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। अब इन्होंने नया गेम खेला कि हम पेपर ही कठिन बनाएंगे, अब हिम्मत है तो पास करके दिखाओ, पास करोगे तो नौकरी लोगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा गेम है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे उनके लिए अच्छी बात है, अब जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर होगी कि अब मेहनत के बिना आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी।
पहले होता था दोस्तों, सिर्फ यूपीटेट में पासिंग मार्क ले आओ, आपकी जो पुरानी एकेडमिक होती थी इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन और बीटीसी बीएड वाला, उसके बेस पर आपको नौकरी दी जाती थी। लेकिन जो अब नया कानून नया रूल कहता है, तो दोस्तों इसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आपके लिए रोज एक वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोग हमेशा अप टू डेट रहे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, आप लोग पढ़ने की वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी रहेगा कि जो बच्चे कॉलेज नहीं जाते, तो चलो ठीक है, हम लोग हमेशा अप टू डेट तो है। नहीं तो दोस्तों दिक्कत क्या थी कि आप लोग अपडेट नहीं रहते तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती कि आज हुआ क्या। तो दोस्तों हर एक दिन की आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। पूरी डीएलएड की खबर दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल ही डीएलएड बेस पर है, तो कहाँ पर क्या हो रहा है सब कुछ आपको दोस्तों अपडेट्स मिलता रहेगा। देखिए नॉइस डीएलएड में आपने कल एक हमने बड़ी अपडेट दी थी आप लोगों की, वहां पर जो लगभग 13 लाख कर्मचारी जो दोस्तों शिक्षक है, उनका नौकरी जाने के दोस्तों खतरा है, मंडरा रहा। रीजन दोस्तों क्या था, उनको 18 महीने का कोर्स कराया जाता है डीएलएड का। तो दोस्तों उसके बाद होता है कि एनसीटी ने कहा कि नहीं भाई 18 महीने का कोर्स मान्य नहीं है, जो कि दोस्तों पहले उन्होंने ही मान्यता दी होगी दोस्तों, नहीं तो उनके बिना कोई ऐसे कोर्स नहीं करा सकता। तो ये सब चीजें दोस्तों है जो आप लोग को पता होनी चाहिए, कि कभी कभी आप लोग लालच में आ जाते हैं कि यार चलो 18 महीने का कोर्स हो रहा है, जबकि दोस्तों आपका कोर्स 24 महीने का होता है, आपको पता होगा। अब 6 महीने अगर आप ज्यादा कोर्स कर लिए होते सब कुछ सही होता है, सिर्फ 6 महीने के अंदर के लिए इतना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, हमेशा अप टू डेट रहेंगे तभी दोस्तों आपको पता चलेगा। तो चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, और सभी बच्चों को अभी से वैसे हैप्पी दिवाली, सेलिब्रेशन करिएगा कम करिएगा और पढ़ाई ज्यादा करिएगा।